नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद शहर के स्थित सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल का जो बरसात के आगमन होते ही जो हाल हो गया है वह नज़ारा देखने लायक है। इस तरह से लोग जो है वह किनारा पकड़ के जा रहे हैं, बीच जो रास्ता है वहाँ पर पानी भरा पड़ा है। देखिए हम वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से देखिए कि लोग जा रहे हैं, रास्ता में पानी भरा पड़ा है, लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। हम वीडियो बना दोस्त अंकित से कहेंगे कि पीछे और दिखाएं किस प्रकार से नज़ारा तो अस्पताल का बना हुआ है। देखिए बगल में गाड़ी खड़ी है और रोड के किनारे देखिए किस प्रकार से जो है गाड़ी खड़ी है, रोड के बीच में जो है वह पानी भरा पड़ा है। यह सदर अस्पताल का नज़ारा है। बरसात का शुरुआत अभी हुआ है, अभी से एक सप्ताह पहले आसमान से आग उगल रहे थे। हल्की बारिश होने से मौसम के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को राहत तो मिला है, लेकिन सदर अस्पताल का जो हाल खस्ता हो गया है वह देखने लायक है। हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि इस रास्ते से आने में क्या परेशानी हो रही है, इस पानी के वजह से क्या परेशानी हो रही है, कुछ लोगों से मिलकर के हम बातचीत करेंगे। देखिए गार्ड साहब जो हैं वह देखिए जैसे किनारे की ओर से आ रहे हैं और अपना रास्ता वो देख रहे हैं। देखिए रंजन जी एक पत्रकार हैं दैनिक जागरण के, रंजन जी वह अभी देखिए किस तरह से किनारे देखिए कैसा हम चल रहा है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पानी भरा पड़ा है, उससे कितनी परेशानी है लोगों को? आए दिन देखिए जब बरसात होता है तो यहाँ पे जल जमाव की समस्या होता है। नया बिल्डिंग भी तैयार हो रहा है, इसका टेंडर उन्हीं को दिया गया है, जब विभाग है बहुत जल्द ही रोड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आए दिन मरीजों को यहाँ काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी मरीज जी जब पहली बारिश है बरसात की इस मौसम में पहली बारिश में ही सदर अस्पताल का हालात इस तरह का हो गया है, सदर अस्पताल प्रबंधन को इस पर सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, मरीजों को क्या तकलीफ हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वह सदर अस्पताल में चल रहा है जिससे यह व्यवधानतर हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम से पहले भी सदर अस्पताल का यही हालात है। हम लोग कई बार कवरेज कर चुके हैं इस विषय पर, आए दिन हालात है। अभी देखिए कि जल्द में मेरा बगल का गांव है उमगा, वहां पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, यहां पर आए तो चिकित्सक नहीं थे इमरजेंसी में, वो हम लोग को बताने लगे कि चिकित्सक अभी इमरजेंसी में नहीं है, वो काफ़ी देर तक हंगामा किए। अच्छा ये सदर अस्पताल का, सदर अस्पताल का मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये अस्पताल के कुव्यवस्था के कारण जूझ रहा है। देखिए पत्रकार साहब का साफ कहना है कि अस्पताल में जो कुव्यवस्था है उससे वह सदर अस्पताल जूझ रहा है। सदर अस्पताल परिसर में पानी भरा पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है? अभी हम लोग के मॉडल अस्पताल का भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके कारण से हम लोग सब बिल्डिंग बन रहा है जीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण मलबा जो है रोड पर ही पड़ा हुआ है और उसके कारण जल जमाव हो गया है। तो नाली की व्यवस्था सर सदर अस्पताल परिसर में नहीं है? हाँ नाली की व्यवस्था उसको नेक्स्ट वाले प्लान में सेकेंड फेज में उसको रखा गया है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है अभी फर्स्ट फेज में नहीं है, सेकंड फेज में सुखा दिया है। सर अभी पहली बारिश में ही यह हाल है, तो आने वाले दिनों में तो बारिश का पानी जो है और बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, इसके लिए क्या प्लान है? नहीं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है, BMICL के इंजीनियर जो है शुभम जी हैं उनसे संपर्क करके हम लोग बात किए हैं कि इसका ड्रेनेज सिस्टम उसको सही किया जाए, तो उसका सेकेंड फेज में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और होगा कि बारिश का प्लानिंग के लिए भी हम लोग एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी आ रहा है सेकेंड फेज में, तो शायद उससे मिल जाएगा।